अस्सलामुअलैकुम, circuit.pk से की तरफ से हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया है। क्लैप स्विच सर्किट है। इस सर्किट को हमने बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो फॉर एग्जांपल डिसेबल हैं, जो जाकर अब जितने भी फैन है, बल्ब है, इनके जो स्विच हैं वो ऑन ऑफ कर, फिजिकली मूव नहीं हो सकते और उन्हें ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो ये सर्किट जो है ये बेसिकली क्लैप या फिर इसको सेंस करके ऑन ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इस सर्किट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपके ये जो रिले के दो वायर हैं, एक तो हमने फेज के साथ लगा दिया है और एक वायर जो है वो 220 वोल्ट की हमने इसके साथ कोई ना कोई सप्लाई देनी है। अभी मैं आपको बल्ब का कनेक्शन करके दिखा देती हूँ कि फिलहाल हम इसके साथ बल्ब को ऑपरेट कर रहे हैं। एक कनेक्शन आपने यहाँ देना है और एक जो अडेप्टर के साथ हमने कनेक्शन दिया है, ठीक है, इसके साथ आपने इसका दूसरा कनेक्शन लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर 12 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बेसिकली बैटरी हमने दी हुई है सप्लाई के तौर पर। आप इसकी जगह अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं और पावर सप्लाई भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसके जो टर्मिनल्स हैं इनका बहुत ख्याल रखना है कि प्लस ये है और माइनस ये है। तो प्लस की तरफ तो कनेक्शन है, अब माइनस की तरफ अगर हम करें, और ख्याल रखिएगा कि ये दोनों आपस में कनेक्ट ना हो क्योंकि शॉर्ट होने का डर होता है। इसके अलावा आपने इसका भी, इन दो वायर्स का बहुत ख्याल रखना है जो आप 220 वोल्ट की सप्लाई से दे रहे हैं, इससे करंट का खतरा है। तो आपने जब कनेक्शन देना है तो आपने यहाँ की जो अडेप्टर की सप्लाई है वो ऑफ कर देनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये कनेक्ट करके और ऑपरेट करके दिखाती हूँ। आप देखें माइक के पास आप हल्का सा अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये ऑन ऑफ परफॉर्म करेगा। क्लैप कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जितनी भी चीजें यूज हुई हैं, फॉर एग्जांपल रिले है, आपका माइक मॉड्यूल है, इसके अलावा कैपेसिटर है, आईसीज जो यूज हुई हुई हैं, BC4547 जो यूज हुआ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम आपको कनेक्शन करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये सर्किट आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा चैनल जो है यूट्यूब का वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसकी जितनी भी नेक्स्ट फेज की वीडियो हैं आप वो हम आपको दिखा सकें, फ्रॉम डिज़ाइनिंग से लेकर आपको किस तरह से ऑपरेट करना है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही सर्किट यूज़ करके दिखाएंगे एक फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड।